मैद्यार स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे आज हम 2.1 पॉइंट वन एक्सरसाइज के ये बकिया क्वेश्चन कर रहे हैं और ये जो है ये इम्पोर्टेंट है पेपरों के लिए तो हम बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ इसमें वो कह रहा है कि अगर मंदर मंदरज़ाल मसावातों के रूट्स बराबर हों तो केक की कीमत मालूम करें एक बार गौत से सुन लें कि रूट्स वो कह रहा है कि बराबर हैं तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये जो है उसने कीमतें दी हुई दी हुई हैं दो एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्र तो ये जो है ये आपके पास ए के बराबर आ जाएगा इसी तरह ये बी के बराबर और ये सी के बराबर तो ये जो है ये आपने लिख दिया है ये जो है ये आपके पास ए के बराबर आ गया ये बी के बराबर और सी के बराबर जो भी आपको दे रहा है कीमत आपने उसका मुआजन दो दर्जी मसाव के साथ कर लेना है उसके बाद आपने जो है फ़र्क मालूम करना है तो ये आपके पास ज़ीरू के बराबर है क्योंकि उसने बताए हैं कि रूट्स बराबर हैं चूँकि रूट्स बराबर हैं इसलिए फ़र्क कनिंदा ज़ीरो के बराबर होगा तो ये जो है ये आपने लिख दिया है फ़र्क बीस ओके आर माइनस चार ए सी इज़ ईक्ल टू ज़ीरो अब आपने इनकी जगह पर इनकी कीमतें लिख दी हैं इनको जो है आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया नाइन के की दो अब आपने जो है इनको मल्टीप्लाई कर लिया ये आपके पास ये आ गया फोर को आपने थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये ट्वेल्व आ गया ये अब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अब आपने जो है इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये आपके पास फिर जो बचे उसको प्लस माइनस कर लेना है तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा आके okay. आपने जो है ये मल्टीप्लाई कर लिया है तो ये जो है यह अब आपके पास दो दर्जी मसावात आ गए हैं आप इधर से भी हल कर सकते हैं और इधर से आप तीन कॉमन भी ले सकते हैं तो तीन कॉमन लिया तो ये आपके पास थ्री थ्रीजा नाइन के ये आपने जो है इधर तीन आ गए इधर आठ आ गए आठ तीन चौबीस और इधर चार आ गए चार तीन बारह तो ये जो है ये अब आप सोच में होंगे कि ये तीन कहाँ चला गया तो ये तीन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर जीरो के साथ डिवाइड हो गया तो जब तीन को जीरो के साथ डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आंसर फिर जीरो आ जाता है अगर आप इधर से कॉमन नहीं लेते इधर से सॉल्व करते हैं तो फिर भी आपके पास आंसर यही आ जाएगा अब आपके पास ये जो है ये दो दर्जी मसावात आ गई है अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है फैक्टराइजेशन में आप क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाता है ट्वेल्व के यानि कि आप ट्वेल्व के स्कैर अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाए ट्वेल्व के स्क्यार और अगर आप प्लस माइनस करो तो आपके पास एट आ जाए प्लस माइनस करो तो एट आ जाए अब आपने ये दो फैक्टर बना लिए माइनस छः के और माइनस दो के अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो तो टू सेक्स या ट्वेल्व और अगर प्लस माइनस करो तो ये आपके पास माइनस एट आ जाता है अब आपने इधर से के को कॉमन ले लेना है इधर से आपने दो और के दो के साथ के कॉमन ले लेना है आपने दो के बजाय आपने तीन लेना है क्योंकि तीन एकम तीन और तीन दो छः तो आपने तीन के कॉमन ले लेना है जो बचे ये आ गया तीन के कॉमन आ गया बाकी के बच गया इधर से तीन के कॉमन आ गया बाकी ये बच गया तो तो ये आ जाएगा दो तीन छः के इधर से आपने दो कॉमन ले लेना है दो माइनस का ले लेना है ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये जो है ये आपके पास आ गया अब अब आपने जो है ये जो है दो ब्रैकेट हैं इनको को ले लेना है कॉमन ले लेना है और ये एक ब्रैकेट बन जाएगी अब आपने इसको एक बार ज़ीरों के बराबर करना है और एक बार इसको ज़ीरो के बराबर तो ये जो है ये आपके पास आंसर आ जाएंगे तो जब आप इसको ज़ीरो के बराबर करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है तीन के माइनस दो दूसरी तरफ जाकर प्लस के हो जाता है तो ये जो है तीन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है तो ये आपके पास एक आंसर आ गया है दूसरा आंसर आपके पास आ जाता है के इज़ इक्वल टू माइनस दो के बराबर है तो के दूसरी तरफ जाकर प्लस टू के बराबर हो जाएगा तो दूसरा आंसर आपके पास ये आ जाएगा ये जो है ये आपका सॉल्व हो गया इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है दूसरे पार्ट में भी उसने यही कीमतें दी हुई हैं इसका भी आपने उसी तरह से दो दर्जी मसावात के साथ मुआजन कर लेना है फिर आपने उसी तरह कीमतें निकाल लेनी है फिर आपने फ़र्कनिंदा मालूम कर लेना है फ़र्कनिंदा बी स्क्र की जगह पर उसकी कीमत लिख देनी है उसके बाद मैंने चार ए सी ए की जगह पर ए की कीमत सी की जगह पर सी की कीमत और इसको इजिक्वल इस टू ज़ीरो के बराबर कर लेना है अब आपने जो है इसका जो है स्क्वायर ओपन कर लेना है तो ये इसका जो स्क्वायर है ये आपके पास ये आ जाता है इसने इधर सिर्फ दो का ओपन किया है बाद में इसका ओपन किया है आप एक साथ भी ओपन कर सकते हैं मसले की कोई बात नहीं इधर आपने जो है इन सब को मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये आपके पास फ़ोर फोर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये ट्वेल्व के और फोरटीन ये जो है माइनस है तो ये बाकी भी माइनस के हो जाएंगे फिर आपने जो है इसको ओपन कर लेना है ये ओपन हो गया जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस कर देना है ये चार के वैसे का वैसा आ गया ये सोलह के माइनस माइनस का है बारह के और सोलह के प्लस का है तो ये फोर के आ जाएगा ये सिक्सटीन प्लस का है और ये मैने इसका ये कैंसिल हो जाएंगे इधर से आपने जो है फोर के कॉमन ले लेना है अंदर आपके पास रह जाएगा के प्लस वन इजिकल टू जीरो अब आपने एक बार इसको जीरो के बराबर करना है और एक बार इसको तो जब आप फोर के को ज़ीरो के इक्वल टू करते हो तो आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाता है क्योंकि फोर दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो फिर भी उसका आंसर ज़ीरो ही रहेगा इसी तरह आप K प्लस 1 जीरो के प्लस वन को ज़ीरो के इक्वल टू करते हैं तो ये के प्लस का है दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा तो ये जो है ये आपके पास आंसर आ रहे हैं इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है तीसरे में भी बिल्कुल उसी तरह करना है हर में जो है सिचुएशन वही आपने बतानी है क्योंकि फ़र्क निंदा सिफिर होगा क्यों होगा क्योंकि रूट्स बराबर हैं इसलिए फ़र्क निंदा सिफिर होगा आपने इसको ए के बराबर करना है इसको बी के बराबर ये माइनस है माइनस भी लगाना है इसको सी के बराबर कर लेना है आपने फ़र्कनिंदा मालूम करना है फ़र्कनिंदा ज़ीरो के बराबर है अब आपने जो है कीमतें तमाम की लिख देनी है तमाम की कीमतें लिखने के बाद आपने जो है इसका फार्मूला ओपन करना है तो फाइव का जो आपने मल्टीप्लाई फ़ाइव से करना है तो ये ट्वेंटी फाइव प्लस का हो जाएगा इसको आपने ओपन किया तो ये आ गया इसके बाद आपने जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और ये फोर आ गया इनको जब मल्टीप्लाई किया तो थ्री टू जिक्स के अब थ्री को टू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ थ्री के प्लस टू टू के प्लस थ्री आपने थ्री को इधर मल्टीप्लाई कर लेना है तो थ्री टू जा सेक्स के सुखियार अब आपने थ्री को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस थ्री थ्री ज़ा नाइन के अब आपने टू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो टू टू जोर के और ये प्लस सेक्स तो इनको मल्टीप्लाई प्लस कर लो तो ये सेक्स के स्कैर प्लस थर्टीन के प्लस सिक्स तो ये जो है ये आपके पास आ गया ये उसने ये किया हुआ है अब आपने इसको माइनस फोर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये आगे आपके पास आंसर आ जाएगा अब जो प्लस हो रहे हैं उनको प्लस कर लो जो माइनस हो रहे हैं वो उनको माइनस कर लो ये पचास के प्लस का है ये बावन के माइनस का है तो इधर से दो के बच गए उसके बाद पच्चीस के ए प्लस का है और चौबीस के ए माइनस का है तो इधर सिर्फ आपके पास के बच गया के सू उसके बाद पच्चीस प्लस के हैं और चौबीस माइनस के तो आपके पास एक बच जाएगा प्लस का बचेगा या माइनस का प्लस का आपके पास आ जाएगा प्लस है इधर प्लस है तो प्लस का वन इक्वल टू ज़ीरो के बराबर अब आपने इसको जो है क्लोज कर लेना है यानी कि आपके पास है एस के आर ये माइनस है तो इधर भी आपने माइनस लिखना है माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्र इस फॉर्म में है आपने इसको क्या करना है इसको आपने इस फॉर्म में लिख देना है ए प्लस सॉरी ए माइनस बी स्क्र इधर माइनस है तो दो के साथ भी माइनस आ जाएगा अब आपने जो है इसको लिख दिया है अब आपने इसकी जज़र ले लेनी है जज़र लेंगे तो ये ज़ीरो की जज़र तो वैसे भी ज़ीरो है इसकी जज़र लोगे तो मुरबा और जज़र कैंसल हो जाएंगे और के इज़ इक्ल टू माइनस वन तो के दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा ये आपके पास आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ़ चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में वो कहता है कि साबित करें कि मसावात उसने ये दी हुई है और कह रहा है रूट्स बराबर हैं जब रूट्स बराबर हों तो फ़र्क कुनिंदा सिफर होता है रूट्स बराबर होंगे अगर ये उसने दी हुई है कि सी सुर की जो कीमत है वो है ए सुकेयर प्लस आप इस तरह भी लिख सकते हैं सी सुकेयर इज इक्वल टू ए सुकेयर एल प्लस ए सुकेयर एम आप मल्टीप्लाई भी इसको करके लिख सकते हैं तो आपने जो है इस मसावात को लिख देना है इस मसावाद को लिखने के बाद आपने जो है आगे इसको ओपन कर लेना है इसका सुकेयर खोल लेना है तो ये इसने इसका स्क्यर ओपन किया हुआ है ये जो है ये उसी तरह आ गए उसके बाद आपने इधर से एक्सकेर कॉमन ले लेना है एक्सुके आर कॉमन ले लें तो आपके पास इधर एक बच जाएगा और इधर एम सू के आर और एक्सुके आर बाहर कॉमन है इधर से जो है अब आपके पास ये दो दर्जी मसाव कंप्लीट हो चुकी है एक को आप दूसरी तरफ से इधर ले आए तो ये ज़ीरो आ जाएगा और ये जो है ये अब आपके पास दो दर्जी मसावत बन चुकी है इसको आपने ए के बराबर कर देना है इस तमाम को बी के बराबर और इसको सी के बराबर कर देना है तो ये जो है ये आपने किए हुए हैं ये देखें ये आ गया ए के बराबर ये आ गया बी के बराबर एक्स नहीं लिखना इधर भी एक्स नहीं लिखना इधर भी एक्स और इधर कुछ नहीं तो ये दोनों लिख देने हैं चूँकि रूट्स बराबर हैं तो इसलिए फ़र्क कुनिंदा सिफर के बराबर होगा अब जो है ये आपके पास आ गया बी सिकर माइनस चार ए सी इज़ इक्ल टू जीरो बी की जगह पर बी सर की, की कीमत उसके बाद माइनस चार ए की जगह पर ए की कीमत और इसकी जगह पर सी की जगह पर सी की कीमत अब आपने इसको ओपन करके लिख देना है तो ये आ जाएगा फोर एम स्क्र शीशु के इधर आपने जो है फ़ोर को इसी तरह रहने देना है और इनको जो है मल्टीप्लाई कर लेना है आपस में तो ये जो है ये आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास ये आंसर आ जाता है इसको मल्टीप्लाई किया तो ये शीशु के आर इसको मल्टीप्लाई किया तो ए सुर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा एम स्केर सीशु के आर और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का आ जाएगा ए स्कूर एम स्क्र उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेना है माइनस फोर से जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे और जो प्लस वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये फोर माइनस का है तो इसी तरह ये जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा अब जो देखें आपके पास जो कैंसल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें जो आपके पास कैंसल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें ये है माइनस फ़ोर ए सी ये इसी इसी तरह ये लिख दिया गया प्लस फोर ए सी ये भी इसी तरह लिख दिया गया उसके बाद माइनस फोर एम सी ये प्लस एम फोर एम सी तो ये जो है ये कैंसिल हो गई और जो बच गए उनको हमने इसी तरह लिख दिया अब आपने इधर से कॉमन ले लेना है माइनस फोर को माइनस फोर को आपने कॉमन ले लेना है इधर पहले के साथ माइनस है तो माइनस फोर कॉमन ले लें अंदर वाले जो हैं ये प्लस वाले वो ऑटोमेटिक माइनस के हो जाएंगे इधर से फ़ोर माइनस का लिया तो ये बाकी सी सुर बच गया इधर ए सूके बच गया इधर ए सी सुर बच गया इधर इसको जो है आपने लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है इसको जो है क्लोज़ कर लेना है इसको आपने क्लोज़ कर लेना है ये ओपन हुआ, हुआ हुआ है तो इसको आपने जो है ए सूके प्लस बी सुर प्लस दो ए तो इसको जो है आपने ए प्लस बी सर इस शक्ल में लिख देना है उसके बाद आपने जो है इसको आगे सॉल्व कर लेना है तो ये जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा ये माइनस फोर है दूसरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आंसर वही रहेगा ज़ीरो क्योंकि साथ जीरो के साथ जिस अदद को मल्टीप्लाई करें वो जीरो ही रहता है ये जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा अब इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं तो सी सर आपके पास आ जाएगा ए सके आर प्लस ए सके और एम सके ये जो है ये आपके पास आंसर आ गया शुरू में भी उसने बताया था अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये जो है ये आपके पास साबित हो जाएगा और अगर आप सी स्क्वायर की जगह इस जगह पर कीमत दर्ज कर दें तो वो भी आपके पास आंसर आ जाएगा सेक्स सवाल की तरफ बढ़ते हैं वो कहता है सेक्स सवाल में वो कहता है शर्त मालूम कीजिए मसावात उसने ये दी हुए है कि रूट्स बराबर हों तो रूट्स बराबर हैं तो फ़र्किंदा हमें मालूम है कि फ़र्क़ कनिंदा सिर के बराबर ही होगा तो ये जो है ये आप को उसने मसावा दी थी आपने इसको जो है ज़ीरो को इक्वल्स टू कर दिया अब आपने जो है इसका स्क्वायर ओपन कर लिया ये इसको इस तरह लिख दिया ये उसी तरह आ गया अब आपने जो है इसको जो है उस तरह लिख दिया है सी को इधर ले गए और मैनस फ़ोर एक्स को इधर ले आए क्योंकि अब ये जो है ये आपके पास फार्मूला बन रहा है इधर से एक्स स्क्र वाले इधर ऐसे ही रह गए ये है फोर एम सी एक्स और ये है माइनस फोर ए एक्स तो इधर से आपने दो और एक्स को कॉमन ले लेना है दो और एक्स को कॉमन ये आप साथ भी लिख सकते हैं लेकिन कोई मसला नहीं है इधर आपके पास दो और एक्स कॉमन आ गए तो आपके पास एम और सी बच गए इधर आपके पास दो और ए बच गए क्योंकि दो बाहर चले गए तो दो, दो चार हो जाते हैं तो ये जो है ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर आ गया अब जो है ये आपके पास दो दर्जी इक्वेशन बन गई है अब इधर आपने क्या करना है लेना है ये आपके पास ए एम के बराबर आ जाएगा बी आपके पास दो एम सी एन टू एम सी माइनस दो ए और ये आपके पास जो है सी है ये सी स्क्वायर के इक्वल टू आ जाएगा अब आपको पता है क्योंकि रूट्स बराबर हैं इसीलिए फ़र्क कंदा सिफर के बराबर होगा ये जो है ये बी स्क्वायर के माइनस चार ए सी और इजिकल टू ज़ीरो तो अब आपने जो है बी की जगह पर बी की कीमत लिख दी है अब उनको मल्टीप्लाई कर लिया है ये जो है ये फार्मूला ओपन हो रहा है एम सी सुर उसके बाद फोर ए सू अब दोनों को मिला के लिख दिया माइनस दो ए सी तो ये जो है इन दोनों को मिलाया तो ये आ गया और ये हमने लिख दिया उसके बाद ये उसी तरह लिखा हुआ है अब इनको मैंने प्लस फोर के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें ये ये फोर जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो ज़ीरो है तो वो डिवाइड हो जाएगा तो उसका कोई मसला नहीं पड़ेगा अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर लें अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं इसको भी ब्रैकेट के अंदर ले लें और फ़ोर को बाहर निकाल दें फोर इधर से भी कॉमन ले लिया और इधर से भी तो ये जो है ये आपके पास फोर आ गया ये उसी तरह आ गया ये मैनेस की जगह पर माइनस आ गया ये फ़ोर बाहर कॉमन चला गया एम सकैर और सी ये आ गए और इक्वल्स टू ज़ीरो अब देखें जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दें ये एम सूके और सी सुर प्लस का है ये माइनस का है ये कैंसर हो रहे हैं तो कैंसिल कर दें जो बच गए वो ये रहे अब आपने क्या करना है अब आपने इधर से जो चीज़ कॉमन है वो ले लेनी है पहले कॉमन लिया था ये चार दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया तो फिर उसका आंसर सिफिर आ गया क्योंकि जीरो के साथ जो भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उसका आंसर कुछ भी नहीं आता उसके बाद ये जो है ये आ गया फोर ए सके माइनस फोर ए एम सी तो ये जो है आपने फ़ोर ए ले लिया उसके बाद फोर ए आ गया तो इधर ए बच गया और माइनस एम सी तो ये जो है ये ज़ीरो के बराबर आ गया अब आपने क्या करना है फ़ोर ए को दूसरी तरफ भेज देना है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे तो जब फोर ए दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएंगे अब आपके पास ये बच गया ज़ीरो के बराबर तो आपने क्या करना है ये एज़ टू ये इधर माइनस एम सी है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा और ये जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसी तरह सातवां सवाल है सातवें सवाल में भी उसने यही कहा है इसमें जो है अगर मसावात उसने ये दी हुई है मसावात के रूट्स बराबर हों मसावात के रूट्स बराबर हों तो ए बराबर है ज़ीरो के या ए ये तो इसको जो है हमने साबित करना है लेकिन उसने एक बात बताई है ये बात मैटर करती है रूट्स बराबर हों जब रूट्स बराबर होते हैं फ़र्क तो फ़र्क कनिंदा हमारे पास सिफर के इक्वल होता है तो ये जो है ये आपके पास सीधी सीधी दो दर्जी मसात है आपने डरना नहीं है घबराना नहीं है बहुत इजी है इसको जो है आपने ए के बराबर कर देना है इसको आपने बी के बराबर और इसको आपने सी के बराबर कर देना है ये ए के बराबर आ गया ये बी के बराबर और ये सी के बराबर चूँकि रूट्स बराबर हैं तो इसी लिए फ़र्क किनिंदा सिफ़र के इक्वल्स होगा तो ये जो है ये आपके पास आ गया है सिफ़र के इज़ इक्वल टू अब आपने बी की जगह पर बी की कीमत लिख देनी है माइनस फोर की जगह पर माइनस फ़ोर ए की जगह पर ए की कीमत और सी की जगह पर सी की कीमत अब आपने जो है इसका जो है फार्मूला ओपन कर लेना है तो ये टू टू ज फोर आ जाएगा इसका जो है ए सुखेर आ जाएगा उसके बाद ये आ गया प्लस बी की दो सी की दो अब ये इसको जो है हमने लिख दिया माइनस दो ए और बी यानी कि ये आ गया टू एकेर बी और सी इन दोनों को एक साथ लिख दिया उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है बी स्कर सी सुर उसके बाद बी सुर और सी सुर उसके बाद सी को ए और सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस ए सी की तीन अब इसको जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया अब इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस ए बी की तीन माइनस ए बी की तीन अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है माइनस माइनस प्लस ए की दो बी और सी इक्वल्स टू सिफर अब आपने जो है इधर इधर से आपने क्या किया फोर को कॉमन ले लिया फोर कॉमन आ गया ये और ये बाकी रह गए फोर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा दूसरी तरफ ज़ीरो है तो कुछ भी नहीं बाकी रहेगा इसी तरह आपने इसको जो है अंदर माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है जो माइनस वाले हैं वो प्लस हो जाएंगे जो प्लस वाले हैं वो माइनस के बराबर हो जाएंगे ये जो है ये आपके पास एक की चार आ जाएगा जब इसने मुरबा ओपन किया है तो ये एक की दो पहले था जब ये ओपन होगा तो ये एक की चार हो जाएगा टू टू जो फोर तो इधर जो है ये फोर आ जाएगा इसने इधर खोला तो ये फोर आ जाएगा इधर भी टू है जब ये ख़त्म होगा तो इधर फोर आ जाएगा अब ये आपके पास फोर आ गया उसके बाद ये है माइनस दो माइनस दो ए की दो बी और सी आप देखें किसी जगह पर ये होगा माइनस ए की दो माइनस दो ए बी और सी ये जो है ये भी माइनस है ये भी माइनस है माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन अमत माइनस की हो जाएगी तो ये आ जाएगा तीन ए की दो बी और सी ये आया हुआ है माइनस तीन ए ही दो बी और सी उसके बाद ये है प्लस बी की दो सी की दो ये है माइनस बी की दो सी की दो तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये इसी तरह आ जाएंगे इधर से आपने क्या करना है इधर से आपने ए कॉमन ले लेना है तमाम मकदारों में है तो इधर आपके पास आ जाएगा ए की तीन बी की तीन सी की तीन और दो हैं तो एक इधर चला गया तो आ जाएगा मैंने तीन ए बी सी एक्ल्स टू ज़ीरो और दूसरा आ जाएगा ए इक्वल्स टू ज़ीरो तो ए इक्वल्स टू ज़ीरो उसने ख़ुद भी बताया था और दूसरा जो जवाब है वो ये आ रहा है